ब का I'm ready. हेलो वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं बता रही हूँ आज ये रमजान के टाइम पे हमारा बच्चों का मॉर्निंग का टाइम टेबल क्या होता है। सॉरी बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। तो अभी मैं मॉर्निंग हो गया, इन लोगों का ड्रेस चेंज करूंगी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। उमा 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 मम्मा को उमा आई लव यू I love you गले लग के I love you बेबी जान। हेलो कर दीजिए अलेना बेबी जाने। ये अलेना रेडी हो गई है। अलेना से I'm ready। बारी है सोया के रेडी होने का, है ना सोया, है ना। ये अपने लोअर का स्टिकर लगा लिया हाथ में, बैंडेज है इन लोगों का, ब्रेसलेट है। लाओ हाँ ओके चलो खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब रेडी होने के बाद क्या करते हैं? ओके गो। और ये बस कौन लेगा? कैसे चलता है ये बस? कैसे तो रमजान के टाइम पे ये लोग बच्चे लोग उठते हैं और थोड़ा देर से ही उठते हैं, 11:30 तक उठते हैं और उसके बाद इन लोगों को फ्रेश करके फिर रेडी करके फिर ब्रेकफास्ट के आ जाए। सॉरी टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने का, तो चले ब्रेकफास्ट लेके आते हैं इनके लिए। अलेना ब्रेकफास्ट आ रहा है ओके। वेट ये लीजिए वाटर, पानी पीजिए, मम्मा इज कमिंग ओके। जोया अभी बैठ जाए। बदमाशी नहीं करना ओके अलेना, नो बदमाशी ओके, मम्मा इज कमिंग। तो आ गया इन लोगों का ब्रेकफास्ट, ये मैंने चिकन ओट्स बनाया है। ये जोया ले लीजिए आप अपना, ये अलेना का, और ये अलेना बस हाथ में पकड़ के ट्राई करती है अपने आप खाने का और इसको मैं फीड कराती हूँ। वेरी गुड। ये मैंने चना फुलाना भूल गई थी, अभी फटाक से डाल दिया है। अभी 12 बज रहा है तो 4 बजे जैसे तक 4 घंटा खुल जाएगा ऐसे ही, देखते क्या होता है। और यहाँ पे ये पपीता आया था, बहुत ही ज़्यादा पका हुआ पपीता आ गया था। अब मैं सोच रही थी इसे पील करना बहुत बड़ा टास्क था, तो बस मैं लग गई थी आराम आराम से कर रही थी। यहाँ पे हो गया इन लोगों का ब्रेकफास्ट। अब क्या हो रहा है, अलेना किचन से की लेके आ गई है मेरा लेमन स्क्वीज करने वाला, और जोया क्या कर रही है, फिंगर में क्या डाल रही है, टैग लगा रही है। और यहाँ पे मैंने उनको उन दोनों को एक नज़र देख लिया, और यहाँ पे देखे मेरा पपीता फाइनली पील हो गया है। ऐसे बहुत आराम आराम से किया, ये सेकंड वाला कुछ ज़्यादा ही पका हुआ था, और पका हुआ पपीता का छिलका निकालना मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं तो नाइफ से निकाल ही नहीं सकती हूँ कभी भी नहीं, बस ये पिलड़ी है जिससे निकल जाता है। दिस इज पपाया, पपाया
मामा क्या? दिस इज पपाया, दिस इज पपाया. व्हाट इज दिस अलेना? ओके, तो फाइनली पपीता को मैंने बचा लिया. अच्छा सा क्लीन हो गया है. लगा नहीं था मैं कितने अच्छे से कर लूँगी. और इसको कट करके रखने का फ़ायदा ये है कि यूज़ करते वक्त आसानी से बस निकालो और पीसेस में कट करो. इसे वॉश नहीं करना है अभी, क्योंकि अगर अभी वॉश करेंगे तो ये बहुत ही मॉइस्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है. तो इसे ऐसे ही ड्राई रहने देना है. कट करके इसका जो वेस्ट पार्ट है वो निकाल के और फिर इसे कंटेनर में स्टोर करके कर देना है फ्रिज में. और यहाँ पे हो गया मेरा पपीता पील और बच्चे वहाँ पे लगे हुए थे अपने खेल में. और कोरोना वायरस जो है इंडिया में इतना हाथ तबाही मचाया हुआ है ना कि क्या बोलूँ, केसेस इतना बढ़ते जा रहे. बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए दूर कर दे, ख़त्म कर दे. बस आमीन सुम्मा आमीन. बस मन रही, बस को पानी पिला रही है. अलेना क्या कर रही है? अलेना कहाँ पे बुबू हो गया? अलेना सोए बुबू? नहीं यहाँ. कहाँ पे बुबू हो गया? फिर कहाँ पे बुबू हो गया? नहीं इसमें. ओ इसमें बुबू हो गया. कैसे हो गया अलेना को बुबू? चौमी चौमी कर दिया. ओ चौमी. चलो सोया उम्मा दे दो अलेना के बुबू को. अलेना को यहाँ पे उम्मा दे दो. नो उम्मा. जोया देखो अलेना तुमको दिखा रही है क्या हो गया. सो ये जोया का टास्क होता है. मैं उसे दिन में एक देती हूँ. जैसे कि क्या है कि ये कुछ अल्फाबेट्स सी और ये ऐसा. इसे मैं अभी वर्ड ट्रेसिंग करवा रही हूँ, लेकिन ये अभी कर नहीं रही है इतने अच्छे से. बस ये कलरिंग करती है. सो इसे ये भी हो जाता है कि जैसे इसे काउ में कलर करना था, इसे बाहर नहीं निकालना है. इसका टास्क ये होता है. यहाँ पे जोया मेरा अपना बुक लेके चली गई और उठा के लेके यहाँ पे आ गई है. तो यहाँ पे जोया करके दिखाएगी अभी आप लोगों को, है ना जोया? अभी तो जो जोया का टास्क होता है कि उसे वो कलर जो है इसके अंदर फिल करना है और ऐसे कुछ इस तरीके. और इंकरेजमेंट तो इन लोगों को इतना चाहिए. अगर जितना इंकरेज करो उतना ये लोग ज्यादा टास्क अच्छे से करते हैं. अपना अच्छा बाबू है ना जोया? तो ये कुछ शीट्स है, मैं फटाफट से दिखाती हूँ. इसे कलर प्रिंट करना था बट मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया. बट इट्स ओके, एक कलर चार्ट अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. वैसे तो जोया को कलर पता है बट फिर भी अच्छे से. और ये लोअर केस एंड अपर केस ABCD. और यहाँ पे मैं उसका मैथ्स का तैयारी, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत काउंटिंग वगैरह, जैसे उसे बताना ये क्या कितना नंबर है, हाउ मेनी कैप्सिकम, हाउ मेनी कैरेट, ऐसे पूछूंगी तो वो उसे मुझे इंडिकेट करेगी 1, 2 लाइक दिस. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये मैंने फोनिक के साथ निकाला है. इसे मैं कलर में निकालूंगी तो दिखाऊंगी. ये जैसे लोअर केस अपर केस साथ में होने से ना उन लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता. नहीं तो अगर अब मैं अलग से उनको लोअर केस और अपर केस दूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. और साथ साथ इमेजेस भी है. तो ये अभी मैं उसे दिखाने जा रही हूँ. और साथ में ये भी है, इसलिए मैं जोया अलेना मैंने इसका 5-6 सेट निकाल लिया था इन लोगों को देने के लिए कलरिंग के लिए. पहले तो मैंने सोचा ट्रेसिंग करेगी बट मैंने जब दिया तो उसे ट्रेसिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे कलरिंग में आ रहा है, तो मैंने भी छोड़ दिया. चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा स्किल है, कर लो. और मैं क्या करती हूँ, सारा इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है. इसमें से मैंने कुछ कलर दिया है और पेंसिल और कलर. मैं इसमें से 2 कलर रेड एंड, अभी मैं इसे रेड एंड बो देंगी. तो ये सब ये कलर पेंसिल, इस टाइप का कलर पेंसिल मैंने दिया है. इसमें अब राउंड लेने से स्लिपरी हो जाता तो ये थोड़ा ऐसा होना ज़रूरी है एडजस्ट पकड़ने के लिए. तो यहाँ पे जोया आ गई है, मैं इसे हटाती हूँ. जोया को चाहिए? चाहिए जोया को? ये देखिए जोया मम्मा आपके लिए कर लिए ABCD, है ना? एक्साइटमेंट रहा नहीं जा रहा है तो जोया का फाइलिंग मैं कर दूं, है ना जोया?
ऑफ कोर्स मजा आ रहा है देख के चलो मम्मा जी हेल्प मी दे विल हेल्प मी या ओके जोया का रेडी है अलेना के लिए यस अलेना का रेडी हो गया वैसे अलेना का तो एज अभी नहीं हुआ है लेकिन वो जोया का फुल कॉपी करती है सो ये हो गया अलेना का रेडी और ये हो गया जोया का रेडी तो लेट्स गो जोया अलेना अलेना जोया बैठ गई है ये लीजिए दिस इज फॉर जोया मी टू ओके अलेना विल आल्सो गेट कैसा है जोया अब जल्दी जल्दी मम्मा को एबीसीडी पढ़ के बता दे यू वॉन्ट टू राइट टेल मी एबीसीडी नाउ यस वेरी गुड एप्पल एंड बॉल बोट दिस इज बोट नो बोट यस एंड वॉट इज दिस सी फॉर गेट ऑफ अलेना भी पढ़ के बताएगी है ना अलेना अलेना वन टू थ्री बोल के बताओ वेरी गुड माशाल्लाह अच्छा बेटा चले अलेना भी कलर करती है और पढ़ाई भी करती है यहाँ पे जोया का स्टडी चल रहा है और यहाँ पे अलेना का और अब मैं चली अपना स्टडी करने तो यहाँ पे बैकग्राउंड में पढ़ाई चल रहा है ये लोग ऐसे थोड़ी देर तक बिजी रहेंगे तब तक मैं चलिए मैं अपना नमाज पढ़ूंगी कुरान पढ़ूंगी और फिर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वीडियो शॉर्ट में जल्दी जल्दी सबको दिखा पाऊँ बट बने रहिएगा ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा चले किसका सुपरमैन बनना है जिया। किसका सुपरमैन बनना है जिया। को सुपरमैन बनना है आ जाओ ये है सुपरमैन आई विल हेल्प यू बोल रही है क्यूट लिटिल सुपरमैन ओ बुबू हो गया का हल्ला हो गया सुपरमैन बनना है सो ये दोनों को सुपरमैन बना दिया और अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे ये दोनों सुपरमैन एक दूसरे का सुपर पावर से एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है अलेना ठीक हो गया हेलो कर दो सुपरमैन क्या है ये चौक है क्या करना है चौक से राइटिंग ऑन द बोर्ड ओके अलेना क्या कर रही है बेटा टेक दिस जूस अलेना जूस हो यम्मी और यहाँ पे मैं बैठी हूँ सोची थोड़ा वीडियो देख लो कैसा है और यहाँ पे जोया आई है जोया अक्सर मेरे साथ होती है एडिटिंग में क्या है ये चॉक दिस इज चॉक Yeah, here pick one. Yeah, mama. और मम्मा को भी एक दे दो हाँ इतना छोटा सा नहीं मम्मा ये बिग वाला नहीं लेंगे मम्मा ये पिक वन ओके बिग विल बी स्मॉल वन ओके थैंक यू मम्मा ये जी जी आपको ये ओनली ड्रिंकिंग जूस अलेना अलेना ये ये है ना अभी ये सब कलर हम लोग है ना हम लोग के पास मम्मा पेंसिल ले लेगी इसमें से ओके जोया का ये सब ओके चलिए अभी मम्मा आपसे पूछेगी ओके दिस वन यस अ
Very good. No, auntie. Alena, what are you doing? Alena, where is your book? Where is your book, Alena? Your daddy? You don't want to study? You don't want to study, Zoya, Alena? Yeah. Alena, you don't want to study? Where is your book, Alena? You, where is your book? एक्टिंग करना कोई अलेना से सीख ले। हाउ अलेना क्राई? अलेना हाउ डू यू क्राई? सारा सामान अब ये हटा रही है। जोया को बहुत डिस्टर्ब करती है ना अलेना जोया? छूट मुट का सिर्फ तो कंटिन्यू करने देते फ्लाई। तो अब इन लोगों का लंच का टाइम हो गया है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:00। सो 12 बजे ही सो के उठ, 11:30 बजे सो के उठते तो सारा टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जोया टायर्ड हो गई? यू वांट लंच फूड? मम्मा लेके आए? ओके तो चले इन लोगों के लिए लंच लेके आती हूँ। कर रही है अलेना? अलेना पिज्जा सेल कर रही है। अरे अलेना का ये हैंडरेस्ट जो है इसका ये सोफा होता है। पिज्जा। ये इज मेकिंग पिज्जा? यस, ये पिज्जा। तो ये पिज्जा खाने जा रही है? ओके बाय बाय। वेलकम बोल दो अलेना। पापा यू वेलकम। थैंक यू। व्हाट यू वांट? ये कीमा बना है, ये समोसा बनाने के लिए कीमा बना है, बेहतरीन सा। बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया इसमें, बस मैंने कीमा को वॉश करके और उसमें मैंने ऑनियन फ्राई करके ऑयल डाला है, फिर ये दाबरी इलायची और दालचीनी, फिर जावित्री, काली इलायची, लौंग और अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और ऑनियन थोड़ा सा कट करके बस दैट्स इट। उसके बाद इसको मैंने ऐसे ही कुक किया ओपन में, सीटी नहीं लगाया। बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही खिला हुआ है, आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल। तो बस अब समोसा बनाने के टाइम पे इसमें ऑनियन थोड़ा सा मिक्स करके, या फिर बिना ऑनियन का भी डाल सकते हो लेकिन ऑनियन डालने से ज़्यादा अच्छा था, लेमन चाट मसाला थोड़ा डाल के इसको बस रेडी कर देना है। तो अब मैं इसे डाल दे रही हूँ फ्रिज में। अलेना को मैं ये सभी बना के खिला रही हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है चना जो कि मैं फुलाई थी थोड़ा देर पहले ही, लेकिन ये हो गया है 4 घंटे में अच्छा खासा, लेकिन और थोड़ा होता बट अभी टाइम नहीं है तो मैं चला देती हूँ, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगा दूंगी। देखिए ऐसा कुछ रेडी, कुछ कुछ अच्छे से हो गया, कुछ कुछ नहीं हुआ बट कोई बात। और यहाँ पे मेरा मसाला, मसाले में मैंने क्या लिया अब देखें, नमक, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी, तेज पत्ता 2, फ्राइड ऑनियन, अदरक, लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च और ये बड़ी इलायची और यहाँ पे लौंग। ओके सो यही इस्तेमाल होगा बस। और ये टमाटर मैंने कट कर लिया है, ये 2 टमाटर रफली चॉप किया है, इसमें मैं ऑनियन डालती हूँ बट आज मैं नहीं डालूंगी, कभी चाहो तो डाल सकते हो ग्रेवी के लिए बट फिलहाल टमाटर ही काफ़ी है। तो फटाफट से बनाती हूँ, ऑयल चला गया है और इसमें मैं सारा कुछ मिक्स कर देती हूँ। सबसे पहले तेज पत्ता ज़्यादा डालती हूँ, फिर थोड़ा सा इसे क्रैक आने देती हूँ, फिर इलायची और ये लौंग और फिर ये थोड़ा सा जीरा भी। ये हो गया है, अब ये जाएगा सारा मसाला इसमें। मसाला डालने के साथ साथ ही बस ये टमाटर डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑनियन जो है वो फ्राई हुआ है तो उसे फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। और ये टमाटर डाल देने से ये है कि मसाला जलेगा नहीं। इसमें गया चना। ओके ये भुना जाएगा फिर मैं इसे सीटी लगा दूँगी।
ये सब भुनने देते हैं। ये देखिए भुना गया है और ये देखिए ऐसे इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। सो अब ये इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी पानी ऐड करके। अब इसमें सीटी लग जाएगा और ये तैयार हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैंने कीमा अपना रेडी कर लिया है प्याज लेमन और चाट मसाला डाल के। ये देखिए मेरा कीमा रेडी है, इसे फ्राई अभी नहीं करूँगी और बस अब चलूँ मिठली में बच्चों को सुलाने। ओके नो फाइटिंग, दोनों का ब्लैंकेट है और वो बीच में कौन? गुड, नॉट सो हॉट। दोनों सो चुके हैं। ना का कल वो हम लोग बाहर गए थे तो वो गिर गई थी और स्लीव हाफ था जिसके वजह से उसको चोट लग गया था, तो अभी उसे मैं ये क्रीम लगाऊंगी। तो यहाँ पे असर का नमाज पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए मेरा चना गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से और अब बच्चे सो गए हैं तो मैं सारा फ्राई का काम करूँगी और उसके बाद सब कुछ रेडी कर दूँगी। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे एक घंटे में, फिर साथ में इफ्तार करेंगे हम लोग। तो ये देखिए मेरा पीनट्स रोस्ट हो रहा है, रोस्ट तो नहीं फ्राई हो रहा है, थोड़ा ऑयल भी उसमें। और ये देखिए मेरा प्याजू बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही औसम सा बनता है। और यहाँ पे मेरा समोसा भी रेडी है, ये रो अफ़ज़ा मैंने रेडी किया है। आज मैं लेमन डालती हूँ रो अफ़ज़ा में और चीनी नहीं डालती हूँ। तो बस ये फ्रूट सैलड, इसमें पपाया, अंगूर, केला और अनार है। और इसे इसे सबसे जल्दी बना के रखना होता है ताकि ये थोड़ा मॉइस्ट होता है तो अच्छा लगता है। तो बस ये रहा हम लोगों का इफ्तार। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ा लंबा हो गया था इसके लिए सॉरी, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और बताए आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। उम्मीद करती हूँ सबका अच्छा जा रहा होगा और अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी इस दुनिया से गायब कर दे। बहुत तकलीफ़ में है लोग, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। उम्मीद करती हूँ ये रमज़ान में हम लोगों का ये दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह, आमीन। तो चले मैंने इफ्तार खोल लिया है, अब ये मेरा चाय का टाइम हो रहा है। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम देख रही थी। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।